Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम माँ सरस्वती के बारे में जानेंगे. सरस्वती नदी जो है उसका उद्गम के ऊपर मैं एक बार फिर आपसे कभी बात करूंगा, लेकिन सरस्वती नदी किस तरह पृथ्वी पे आई और किस तरह मंदाकिनी से सरस्वती आई, जो पूरी पृथ्वी पे सारी नदियां जो जल है, क्योंकि पृथ्वी पे जब पृथ्वी हिरण्याक्ष के पापों से नीचे धस गई थी, पाप मतलब भूमि का दुरुपयोग, आज भी बहुत हो रहा है. अब ये इमेजिन करिए उसमें कितना दुरुपयोग हुआ होगा, माइनिंग कर करके सोना निकाल के खा के, जो आजकल भी यही कर रहे हैं आप पश्चिमी देशों में. मतलब जो कल ही हमने बात किया, पश्चिम एक मानसिकता है, कोई पश्चिम देश नहीं है, मानसिकता है, आसुरिक मानसिकता, कोई पश्चिम बोलते किस तरह पृथ्वी का दुरुपयोग करके जो पहले किया था हिरण्याक्ष ने, आज भी लोग वही कर रहे हैं. भगवद गीता में बोलते हैं उग्र कर्म. उग्र कर्म की वजह से पृथ्वी धस गई गर्भोदक समुद्र में. और उसमें धसने के बाद भगवान को, ब्रह्मा जी को, क्योंकि कोई उठा नहीं सकता था उसको, तो ब्रह्मा जी को विष्णु को बुलाना पड़ा उसको उठाने के लिए. तो समुद्र में घिस गई थी, इसलिए खारा पानी भी है थोड़ा सा पृथ्वी पे. और फिर उसको उठाया वराहदेव ने, वापस उसको स्थित किया जहां पे उसको करना चाहिए. और जो हम देखते हैं आज, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, ये सब वराहदेव ने बनाए सबके सब. और ये जो पहाड़ हैं और नदियां हैं, उन सब की रचना पहले वराहदेव ने करी स्थापित करने के बाद, और दिशाओं का निर्माण किया वराहदेव ने. इसके बारे में आपको सारा ज्ञान आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में वराहदेव की स्तुति की गई थी बाद में. और फिर उसके बाद जब उन्होंने स्थापित किया, तब महादेव के ने जो मंदाकिनी है जो स्वर्ग से आ रही है, उनको अपनी जटाओं में धारण किया और एक छोटी सी धारा छोड़ दी मेरु पर्वत की तरफ, और सारी नदियों का उद्गम वहीं से होता है, मेरु पर्वत से. और दुनिया में जितने भी जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है सब वहीं से आते हैं. उसके बहुत उदाहरण हमको मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं. रिसेंटली कुछ लोगों ने, मैं उनको वैज्ञानिक नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बोलेंगे कि उन्होंने, मॉडर्न साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, उन्होंने भी बोला कि देयर आर बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोटिंग इन द स्काई, बोला. और हमारे पुराणों में लिखा ही हुआ है कि विमानों के द्वारा मंदाकिनी पृथ्वी पे आई, विमानों के द्वारा. विमान का अर्थ प्लेन्स नहीं होता, विमान का अर्थ होता है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करे. जैसे प्रकृति का नियम है क्या है भूमि पे, कि जो नीचे गिर रहा है. तो हमारे सभी मंदिरों को विमान भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे आप बैठ के प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आप जाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसी को विमान बोला जाता है. तो हमारे जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं, आप एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को हमेशा यही कंप्लेन आती है कि आदित्य जी आपको सुन नहीं सकते हम, तो अभी तो मुझे बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है हर तरफ. ओके, तो प्लीज चेक करके इधर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जय जगन्नाथ लिख दीजिएगा, या फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जो आपको लिखना, लिखिए हर हर महादेव. तो वो जो विमानों के माध्यम से नीचे लाए, तो महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और सिर्फ एक ही धारा भेजी, क्योंकि अगर मंदाकिनी के पूरे वेग गिरेगा तो पृथ्वी वापस चली जाएगी समुद्र के अंदर. इतना जल है कि पृथ्वी भी नीचे डूब जाएगी, वापस चली जाएगी नीचे. इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज हमको मालूम नहीं है. देखिए क्या होता है, भगवान ने हमको
जीवेरा स्वरूप नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपाए खेला कृष्ण वेद पुराण। ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द है कि हमको स्वतः ज्ञान नहीं मिलता है, इसीलिए भगवान ने हमको वेद पुराण दिए हैं ताकि हम उनसे ज्ञान ले सकें और अपना समय बर्बाद ना करें पृथ्वी पे। द रियल जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, वो उन्नति होती है आध्यात्मिक उन्नति। राजा का कर्तव्य है और जितने भी जो वेदों में पारंगत ऋषि मुनि है आज भी है पृथ्वी पे, बहुत सारे लोग हैं। मेरे मित्र को मैं जानता हूं, नेशोक जी को और रामेश्वर मिश्र पंकज जी को, बहुत ही पारंगत लोग हैं वेदों वेदों में पुराणों में, उनको हर तरह से मालूम है क्या क्या कहां लिखा हुआ है। तो उनके आज भी वो लोग हैं कि राजा को चाहिए उनसे ज्ञान ले और शास्त्रों के अनुसार लोगों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। शांति क्षत्रिय इसीलिए चाहिए कि समाज में शांति रहे और लोग वेद के पथ पर आगे बढ़े। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यही कारण है। तो सरस्वती माता तो चार धाराएं जो है कैलाश के मेरु से वो गई पूर्वी दिशा में, तीन धाराएं सॉरी चार गई पश्चिम में, तीन गई पूर्वी में, जैसे भारतवर्ष की बात हो रही है। और उसके ऊपर अगर हम जाए तो वही जो गंगा है रशिया में, तीन नदियां जाती हैं उत्तर की तरफ बहती हैं। आप ये बात मानिए कि सारी नदियां एक तरफ से जा रही हैं चारों तरफ, तो मेरु पर्वत से आप देखेंगे कुछ नदियां उत्तर की तरफ जा रही हैं, कुछ जो पूर्वी की तरफ जा रही है, कुछ पश्चिम की तरफ जा रही है, वहीं पर जा रही है। ये मैप है। मैं जब मैं अफ्रीका में नील नदी को पढ़ रहा था, क्योंकि हमको उत्तर पश्चिम दक्षिण का कुछ हमको ज्ञान ठीक से भी है नहीं डायरेक्शन का, हमने क्योंकि पृथ्वी को एक लीनियर मान लिया है, सूर्य का मूवमेंट हमको मालूम नहीं है। जैसे हनुमान जी बोलते हैं मेरु पर्वत को दाएं रखते हुए सूर्य भगवान पूर्वी दिशा से इंद्रपुरी से आते हैं, संयम की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद वरुण की तरफ जाते हैं, फिर सोमो की तरफ चले जाते हैं। ये हुई पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी दिशा, ये है हनुमान जी का ज्ञान है। आप सब में से बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त होंगे तो बजरंग बली लिखिए, संकीर्तन आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग एंगेज करें ताकि हम इस तरह की बातें कर सकें। और मुझे बहुत प्रेरित किया कुछ लोगों ने कथा करने के लिए, तो मैं कथा भी करूंगा आपके साथ बैठ के। ऑलरेडी मैं भगवद गीता पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी पांचवें चैप्टर तक पहुंच गया है, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो उधर आप जरूर प्लेलिस्ट देखिएगा, सिर्फ मेंबर्स के लिए है और इंग्लिश में किया है ताकि अमेरिकन और बाकी लोग समझे उसको। अब चलते हैं आज के शो में। तो ये बैकग्राउंड है सरस्वती कैसे आई पृथ्वी पे। अब सरस्वती का क्या उद्गम है, कौन है सरस्वती, उसके बारे में वो अलग टॉपिक में कथा में मैं जाऊंगा, वहां पे आपको बताएंगे दूसरा प्रोग्राम में। तो अब शुरू करते हैं आज का शो। तो सरस्वती नदी के बारे में ऋग्वेद में वर्णन है और अनेक पुराणों में वर्णन है और महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज सरस्वती नदी के तट पे जाते हैं और सरस्वती नदी विलुप्त तो नहीं हुई है। ये जितना भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आप सुनते हैं चैनल्स पे, गायब हो गई, द हिडन रिवर, विकिपीडिया में जाएंगे तो मिथोलॉजिकल रिवर, ऐसा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज भी बह रही है सरस्वती नदी, आप उसके तट पे जा सकते हैं। और जो जो जगह मैं दिखाऊंगा वो पुराणों से है, वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, और भी बह रही है वो, लेकिन पुराणों में है। तो सबसे पहले एक मैप है जो हिंदी में पब्लिश हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग उसको देख लें और उसको समझ लें। इसको पैलियो चैनल्स भी बोलते हैं वो लोग। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन प्रेजेंट एंड शेयर माय स्क्रीन ऑन द मैप। आपको अगर वो मैप दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है मैप सरस्वती नदी का। तो सरस्वती नदी के इस मैप में अगर आप देखें कि ये मैप है और ये सरस्वती नदी आ रही है सिरसा, अनुगढ़, भवालपुर, अहमदपुर। ये बड़ा अजीब सा है कि मैप जो है
भारतीय जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है भारत की, पाकिस्तान तो हिंदू देश ही है, वो आर्टिफिशियल बाउंड्री जो है उसके इसी दिशा में बह रही है, पूरी दिशा में ही बह रही है। तो शायद लोगों ने इस मैप को स्टडी करके किया होगा कि एटलीस्ट सरस्वती नदी तो भारत में रहनी चाहिए, और रण कच्छ पे चली जाती है बार में, मतलब इधर से होते हुए अनेक स्ट्रीम से, उसकी अंदर पानी के अंदर है और पानी के बाहर भी है, और हर जगह मंदिर है। सौंध में मंदिर है, तनोत में मंदिर है, फिर उसके बाद नजर राजार में मंदिर है, मुंगरा में मंदिर है, ऐसे करके वो नीचे जाती है और यहाँ पे रण ऑफ रण में चली जाती है, रण छोड़ में चली जाती है। ठीक है, ये एक मैप है उसका, उसके अनेक अलग अनेक अनेक मैप्स हैं उसके इस तरह के। ये एक पुरानी स्टडी है, पुराना डेटा है, उसके अनुसार है। ठीक है, ये न तो नदी आज भी बह रही है। तो सरस्वती नदी एकमात्र नदी है जो पूर्व में भी बहती है और पश्चिम में भी बहती है। तो जब वो पूर्व में जाती है तो जो प्रयाग में संगम है, त्रिवेणी है, वहां पे जाके मिलती है, उसको संगम तीर्थ भी बोलते हैं, वहां पर भी जाती है। इस शो में मैं आपको उन जगहों के नाम भी बताऊंगा और उन वहां पे क्या करने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पितरों की और देवताओं की पूजा ना करें तो फिर ये ज्योग्राफी का क्या मतलब है? भारत एक ऐसा देश है जहां पे पग पग पे तीर्थ है, हर जगह तीर्थ है, कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया में देश ऐसा नहीं। मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मैं सोचता हूं कि चलिए इस नदी में देखते हैं कि कहां पे कोई तीर्थ है, कोई मंदिर है किसी नेटिव अमेरिकन का, नहीं है कहीं, सब खत्म कर दिए गए, क्योंकि कॉलोनी बना दिया गया, सारी नदियों को पानी निचोड़ के एक रिजर्वर में डाल दिया गया। कुछ नदियां बहती हैं, कुछ नदियां नहीं बहती हैं, कुछ नदियां गायब हो जाती हैं, वो सब करते रहते हैं, तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब आप भगवान के दिए हुए, देवताओं के दिए हुए नदियों को, पहाड़ों को, उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कल्चर कैसे बचेगा, आपका कल्चर कैसे बचेगा, आपको भूमि से लगाव कैसे होगा? फिर तो आप हिरण्याक्ष बन जाएंगे, कि भूमि का प्रयोग दुरुपयोग बन जाएगा। प्रयोग तो नहीं करना है भूमि का, भूमि का परमिशन लेके सदुपयोग करना है, ताकि भूमि देवी जो वरादेव की पत्नी है और उनका ही पुत्र है बुद्ध, ये उनके ही पुत्र है। तो अभी उस पर हम कभी और बात करेंगे, टॉपिक्स डाइवर्ट जल्दी हो जाता है, इंफॉर्मेशन बहुत है। ये मेरी पुस्तक से है, ओरिजिनल एटलस, उसमें मैंने ये सब रिसर्च किया हुआ है। अब आते हैं नदी के ऊपर सीधा, अब चलते हैं सबसे पहले उद्गम स्थल पे। आपको मैप दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं भी चेक कर लूं, दिख रहा है। मैं अपना पोजीशन थोड़ा स्लो लो करता हूं ताकि आपको पूरा मैप दिखाई दे। अब हम ये नदियों के पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, जहां जहां मंदिर है, क्योंकि सिर्फ नदी का पाथ से क्या फायदा, वहां पे जाके आप पिंडदान करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, दैट इज अ बेनिफिट ऑफ नदी, सरस्वती नदी। वहां पे जाके देवताओं की पूजा करिए, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। मेरी पुस्तक अगर आप देखेंगे द ओरिजिनल एटलस, उसमें आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि तो उसमें मैंने वो सारे डिटेल्स और किन देवताओं की आपको पूजा करनी चाहिए वो भी है। और मेरी नई पुस्तक आने वाली है तो उसमें मैं और भी डिटेल्स दूंगा। पुस्तकों पर मैं इसलिए फोकस करता हूं कि आप पुस्तक को घर में रख सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर पुस्तक अवेलेबल होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा ढूंढना जगहों को, और वहां पे क्या मंत्र बोलने हैं, क्या पूजा करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो मेरी अलग पुस्तक में है, ट्रांसेंडिंग द माइंड। तो पुस्तक का आपको बुक दिख, टाइटल दिख रहा है, और एक दूसरी इसके सक्सीडिंग वाले वाली है, मैजिकल एटलस, वो भी आप देखिएगा जब आपको समय मिले। चलिए अब हम चलते हैं इसमें उद्गम स्थल में। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल ये माना जाता है, लेकिन ये यहां से नहीं आ रही है सिर्फ, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। वो तो सिर्फ उद्गम स्थल है, ये जो नदी है, ये जो जगह है, ये नदी है, ये कहीं ना कहीं से अंदर से होते हुए, जमीन के अंदर से होते हुए आती है। ये जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं ये पानी को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं अपने अंदर, ताकि पानी इवेपोरेट ना हो जाए सूर्य की गर्मी में, क्योंकि
बहुत ही सुंदर सिस्टम बना हुआ है ब्रह्मा के द्वारा। ये पानी कंजर्व होता है जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे कंजर्व होता है नहीं तो बर्फ में कंजर्व होता है, क्योंकि जम जाता है और रुक जाता है, उसे थोड़ी थोड़ी धारा निकलती रहती है। कितना सुंदर सिस्टम बनाया है प्रकृति का ब्रह्मा ने बनाया है सारे सिस्टम। बरादेव ने तो सारा स्थापित कर दिया, लेकिन ब्रह्मा ने सारे सिस्टम बनाए हैं सारे, इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये सारी नदियां जो है इस तरफ से आ रही है, सारी की इधर से आ रही है, इससे सारी नदियां सारी चारों दिशाओं में जा रही है इस सेंट्रल एरिया से, है ना। कुछ बड़े बड़े लेक्स में जाके छुप जाती है, यहाँ पे चली गई कुछ नदियां, कुछ चली गई इधर, रिजर्वायर, नेचुरल डैम्स बने हुए हैं, नेचुरल लेक्स बनी हुई है, पूरा तिब्बत में भरा पड़ा है। आप देखेंगे इधर से गिर के वो सीधे नदी आ रही है, सब इस डेजर्ट के नीचे से आ रही है सारी नदियां, नहीं तो कहां यहां पे पानी कैसे पहुंच जाएगा, नीचे आ रही है और फिर यहां पे आती है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां जो है यहाँ पे चली जाती है इस तिब्बत के, तिब्बत को आप ये मानिए हाई वाटर टेबल, ये डैम है, ऊपर जमीन दिख रही है लेकिन बहुत पानी है, बहुत ज्यादा पानी है नीचे, तो सेव करके रखा हुआ है सारा पानी, क्योंकि और कोई मुझे मतलब मैं शास्त्र पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है पानी गिर रहा है इतना ज्यादा, कहाँ कहाँ है पानी, क्योंकि पूरा पानी गिरा तो बाढ़ हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं सृष्टि में, लोग नहीं बचेंगे, कोई कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जल तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह उसको कंजर्व किया गया है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लेक्स हैं पूरे तिब्बत में, देखिए पूरा नीला नीला, कितनी लेक्स है, है ना, कितनी लेक्स है, भरा पड़ा है पूरा पानी से। ये सूखा एरिया है और इसके अंदर तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी लेक होगी, नहीं तो ऐसे पानी ऊपर की तरफ नहीं दिखता हमको, वो बाद में साइंटिस्ट को स्टडी करना पड़ेगा, मतलब जो भी ज्योग्राफी देखते हैं जियोलॉजिस्ट है। उद्गम स्थल, चलिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वापस सरस्वती नदी प्रकट हो रही है, तो इसके पास में ही मना गांव भी है, बहुत सारे मुचकुंद गुफा, यहाँ पे मुचकुंद की गुफा है, सरस्वती नदी है, वेद व्यास की गुफा है, और फिर बहुत सारे माणा गांव है। ये माणा गांव है जहां से हम लोग बात करते हैं कि पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, बात करते हैं इस बारे में लोग बताते हैं, उसमें मैं कुछ और बताऊंगा आपको कैसे स्वर्गारोहण किया। शतशृंग पहाड़ कहाँ पे है, शतशृंग पहाड़ जो है इस कोने में आते हैं, इस कोने में आते हैं ऊपर की तरफ। चलिए तो अब शुरू करते हैं, ये उद्गम स्थल है मानते हैं आज के समय में। अब हम लोग चलते हैं सीधा, ततो गच्छेद राजेंद्र संगमम लोक विश्रुतम सरस्वती महापुण्यम केशवम समुपासते यत्र ब्रह्मा देव देवा ऋषिश्च तपोतरा। देखिए बिना वेद पुराण के इंफॉर्मेशन लेना वो इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो पूर्वी दिशा में भी जा रही है और पश्चिमी दिशा में भी जा रही है। तो पूर्वी दिशा में यहां पर आके आपको दिखती है गंगा, सरस्वती नदी गंगा के साथ ही बह रही है, यहां पे आके दिखती है, और पश्चिमी दिशा में वो इधर जाती है, इस तरफ जाती है। दृष्टिवती को भी द्रव्यवती बोलते हैं और कभी दृष्टिवती रिवर भी बोलते हैं, दृष्टिवती वो कुरुक्षेत्र में बहती है, सिंक में आपको मिल जाएगी आपको। वहां पे संगम भी है सरस्वती का और दृष्टिवती नदी का, तो उसको ट्रिब्यूटरी माना गया है, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी उसको माना गया है कि वो भी सरस्वती नदी है लेकिन एक दृष्टिवती के रूप में आती है, और उसमें हम बोलते हैं दृष्टिवती सरस्वती के नीचे दृष्टिवती के ऊपर कुरुक्षेत्र है। तो दक्षिणी दिशा में जो है सिंक पर मचक्रुक नाम के यक्ष का मंदिर है कुरुक्षेत्र में, मचक्रुक वहां पे आप जाइए। तो उसके उत्तरी दिशा में और सबसे ऊपर है तरंतुक, तरंतुक अरंतुक ऐसे सबसे ऊपर तरंतुक है, तो यक्ष का मंदिर है। ये सब कुबेर के मंदिर है, कुबेर की यहाँ पूजा होती है, ये कुरुक्षेत्र धाम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं त्रिवेणी के संगम पे, सरस्वत्या महापुण्यम केशव समुपासते यत्र ब्रह्मा देव देवा ऋषिश्च तपोधरा। अब ये बात बता रहे हैं पुलस्त्य ऋषि युधिष्ठिर को कि तुम यहां पर जाओ, तो मतलब सरस्वती नदी उस समय भी है, संगम में जाओ और
यहाँ पे तुम अपने पूर्वजों की और देवताओं की आराधना करो, ये संगम है। आपको यहाँ पे संगम तीर्थ, यहाँ पे त्रिवेणी संगम, यमुना भी मिल रही है, गंगा भी मिल रही है, सरस्वती भी मिल रही है, त्रिवेणी संगम। अब सरस्वती कहां से आ रही है? एक पैरेलल चैनल है अंडर वाटर रिवर का, वो आ रही है यहां पे मिलने के लिए, ठीक है, सरस्वती नदी। और सरस्वती संगम तीर्थ में तीनों गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, और यहां पे ब्रह्मा देवता और सभी ऋषि सरस्वती नदी के तट पे केशव की आराधना करते हैं। और इस जगह पे स्नान करने से आपको प्रचुर मात्रा में सुवर्ण मिलता है, ठीक है, सारे कर्मों से छुटकारा मिलता है और आपको ब्रह्म लोक में रहने की परमिशन मिलती है। इतना महत्व है इसका, संगम तीर्थ का। और यहां से वैकुंठ जाना बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ वहां पे आप ज्योग्राफी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करें कि वहां पे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को और ऊपर लेके जाएं, कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके नहीं, हम जागृति और लाएं जाने जगहों को। और तब वहां पे जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा उसका, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रचुर मात्रा में सुवर्ण मिलता है, ब्रह्मलोक मिलता है और वैकुंठ का मार्ग खुल जाता है। ये ऐसी ये जगह है, और यहां पर रहकर आपको भागवत पुराण और हरि नाम का जप करना चाहिए भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण का भी नाम केशव है, तो केशी डेमन का उन्होंने हत्या किया, केशी डेमन को मारा था, केशी दानव को मारा था। तो यह सरस्वती नदी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे जगह पे जो है आपका, अब हम मैप में चलते हैं कि वो कौन सी जगह लेके चल रहा है आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेस। ये है त्रिवेणी संगम, ये मैप ये हुआ सरस्वती नदी का उद्गम, पूर्वी दिशा में ये त्रिवेणी संगम, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिरसा की तरफ। तो मैं सबसे पहले चलना चाहता हूं चश्म, तो एक तीर्थ है जो डेजर्ट में इसको बोलते चामसोद्भेद, चामसोद्भेद, शिवोद्भेद, नगोद्भेद, ठीक है, उधर चलते हैं हम लोग। चामसोद्भेद जो है, मैं लिस्ट में अपनी बुक के लिस्ट से चल रहा हूँ, मैंने मार्किंग किया हुआ है, ये बुक में पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक है तो उसमें पढ़ रहा हूँ। तो चामसोद्भेद ये आती है गुजरात में जगह, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर शहर है, थोड़ा बिजी है लेकिन आप इसका पाथ देख सकते हैं। तो सरस्वती नदी जो है उसके चैनल्स हैं सारे, तो एक तो मैंने आपको मैप दिखाया कि वो यहाँ पे आके खुल रही है नदी, तो आप पूरा ग्रीन देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो आके मिल रही है किससे, इंदु नदी से ही मिल रही है, सिंधु नदी से ही मिल रही है, सिंधु से ही मिल रही है और उससे मिल रही है। तो ये पूरा जो है ये भी समुद्र, ये भी तीर्थ स्थल है। यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थल पाकिस्तान में आजकल चले गए हैं, कुछ यहाँ पर है, बट ये पूरा एक तीर्थ स्थल है, पूरा जो मैप आपको दिख रहा है। अब चामसोद्भेद में जो हम जा रहे हैं उसके पास में ही अर्बुद पहाड़ है, अर्बुद, अब यहां पे चामसोद्भेद जो जगह है ये जगह पे तीन तीर्थ है, चामसोद्भेद, शिवोद्भेद और नागोद्भेद, और यहाँ पे काफी जगह पे छुपी हुई है बट बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ये डेजर्ट में ही जगह है, थोड़ा डेजर्ट एरिया है। और यहाँ पे स्नान करने से आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फायदा मिलता है, शिवोद्भेद तीर्थ में स्नान करने से आपको 1000 गायों को का दान करने का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको ये सब पुण्य करने हैं देवताओं के लिए। भगवान विष्णु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, महादेव को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ से कुछ नहीं चाहिए। महादेव तो उनकी, महादेव की, हमारी दुर्गा माता तो पूरी सृष्टि को कंट्रोल करती हैं, और वो रहते हैं कैलाश पे, कभी शमशान में, कहीं भी रहते हैं,
महादेव को भी आपको कुछ नहीं चाहिए, विष्णु को भी कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो नागोद्भेद में अगर आप स्नान करते हैं, नागोद्भेद में यहाँ पे सारे मंदिर हैं, इधर तीन तरह के पौंड है, एक चश्मोष्भेद पौंड है, मतलब एक उधर लेक है, और आपको एक है शिवोद्भेद और नागोद्भेद, और वहां से आपको मिलता है नागोद्भेद नागलोक। नागलोक जो है वो सत्य है और बहुत ही ऑपुलेंट जगह है, ऑपुलेंट मतलब कि बहुत ही धनी जगह है वो। और नागों की पूजा हर जगह होती है, पुष्कर द्वीप में भी होती है जिसको साउथ अमेरिका बोलते हैं, मेक्सिको बोलते हैं, हर जगह नागों की पूजा होती है। और अब आज के लोग बोलते हैं मिथोलॉजी है, झूठ है, ये सब कहां पे है। आप ट्राई तो करिए जो मैं बोल रहा हूं आपको, ट्राई करिए, आपके थ्रू मुझे भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। और तो कुछ और इसका रेफरेंस महाभारत में आता है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के अनुसार, और मैंने बहुत मुश्किल से इसको ढूंढा है क्योंकि जगह विलुप्त से हो गई है। ठीक है, ये हुआ चमसोद्भेद। मेरे पास रेफरेंसेस बहुत सारे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस शो, फिर आप लोग देखेंगे नहीं उसको। फिर चलते हैं हम लोग अगले शो में, विच इज आपका सरस्वती संगम हो गया, फिर हम चलते हैं विनशन में। विनशन पहले विनशन कर लेते हैं। ततो विनशनम गच्छयन्तो नियताशना कचन्ते संहिता यत्र मेरु पृष्ठे सरस्वती। मेरु पृष्ठे सरस्वती, मेरु के पश्चिमी दिशा में है वो, मेरु पृष्ठे सरस्वती। मेरु मतलब मेरु की बात कर रहे हैं, मरु की, मेरु पृष्ठे सरस्वती। ठीक है, तो जहां पे है विनशन तीर्थ जो है राजस्थान में है, तो दीर्घ सत्र मेरु पृष्ठ है ना, पृष्ठ का होता है वेस्ट। तो हम चलते हैं विनशन की तरफ, वो आपको मिलेगा, विनशन जो तीर्थ है वो आपको मिलेगा इधर, वहां पे अभी म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है, विनशन तीर्थ ये रहा, यहां पे आपको बहुत मंदिर मिलेंगे। मेरु पृष्ठ है, देखिए कितना एक्यूरेट लिखा हुआ है, मेरु पृष्ठ है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ डेजर्ट। ठीक, और ये नदी ऐसे बहती रहती है, नीचे की तरफ जाती है, सारे मंदिर है हर जगह पे। मैंने सारे मंदिरों का वर्णन नहीं किया ठीक से, बिकॉज मुझे थोड़ा सा रिसर्च और करने की आवश्यकता है मंदिरों के ऊपर, तो मैंने सारे मंदिरों का वर्णन नहीं किया। जो जो मुझे मुख्य मिले महाभारत में, उनका क्लियर वर्णन था रामायण में, वही मैंने इसमें पिकअप किए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू मिथोलॉजी, इसलिए। मेरु पृष्ठे, तो ये तो एग्जैक्टली श्लोकों से मैच करता है, और वहां पे ऑलरेडी वो जगह बनी हुई है विनशन तीर्थ की। विनशन तीर्थ में आपको जो वहां पे बेनिफिट मिलता है वो है कि वहां पे जाने से आपको भगवत प्राप्ति आसान हो जाती है, वो बेनिफिट है। अब हम चलते हैं आगे, संगम तीर्थ हमने कवर कर दिया, अब चलते हैं आगे। संघन हरियाणा में, संघन हरियाणा, संघन किधर है, संगम घाट संघन तेरा। अब ये ऐसा बोलते हैं संघन घाट के, संघन तीर्थ के बीच में से सरस्वती जा रही है, बीच में से, इसके बीच में से सरस्वती जा रही है, दिख तो रही नहीं है। तो यहां पे जितने भी कुएं होंगे सब में सरस्वती, सरस्वती देवी का मंदिर है। यहां पे जो इसका एक्चुअल नाम है अः
संगिनी तीर्थ, संगिनी तीर्थ बामन पुराण में नाम है। तो यहां पर एक तो संगिनी है और फिर इसमें है अरंतुक, अच्छा यहां पे मैं एक जगह में ऐड करना चाहता हूं, संगिनी तीर्थ संघान में है और यहां पे बावन पुराण का एक पॉन्ड है, बावन पुराण में लिखा हुआ, और यहां पे पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जाना है हमको अरंतुक यक्ष के मंदिर में। अरंतुक, अरंतुक यक्ष जो है वो है आपके अरंतुक यक्ष, क्योंकि वहां से बीच में से सरस्वती नदी जा रही है, वो है बहरजाच हरियाणा, बहरजाच हरियाणा। तो मैं इसमें बहरजाच हरियाणा विच इज, मैं इधर डालता हूं बहरजाच, ठीक है, बहरजाच ये पंजाब की तरफ आ जाता है, बहरजाच हरियाणा, पर यहां से भी जा रही है, इसको बोलते हैं अरंतुक यक्ष की जगह वहां पर है अरंतुक, बहरजाच हरियाणा, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर यू कैन से। और यहाँ पे स्नान करने से वहां पे एक आपको मिलेगा, तालाब मिलेगा, वहां पे अग्निष्टोम यज्ञ का बेनिफिट आपको मिलता है। अरंतुक यक्ष भी यहाँ पे रहते हैं जो कि कुबेर की जहां पे पूजा होती है, और यहाँ पे भगवान विष्णु का भी मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर, एक यूनिक उसमें कला है, उसके अंदर आर्ट्स है, और बहुत ही सारे इसके अंदर मंदिर हैं जो कि मैं चाहता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा प्रोटेक्ट करे उसको, और उसमें आप लोगों का भी सबका सहयोग चाहिए। ठीक है, ये है अरंतुक यक्ष तीर्थ जिसके अंदर से सरस्वती नदी जा रही है, वहीं से जा रही है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पेज नंबर 3। श्री कुंज में है सरस्वती तीर्थ जो कि भानपुरा नाउच हरियाणा, भानपुरा नाउच हरियाणा, ये बहरजाच है और श्री कुंज तीर्थ। स्लाइड डेक, बहरजाच श्री कुंज तीर्थ, ये है आपका इधर श्री कुंज तीर्थ, ये नाउच में है, NOUCH, आप जा सकते हैं वहां पे, नाउच है। यहाँ पे ये सरस्वती नदी के तट पे सिचुएटेड है, आप देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, और अग्निष्टोम यज्ञ मिलता है यहां से होता है, और ये कैथल के उत्तरी दिशा में है, और यहां पर महाराज युधिष्ठिर बहुत बार विजिट किए हैं इस जगह पे, इस जगह पे, ये इट्स ए फैक्ट ओवर देयर। और नैमिष कुंज वहीं पर है हरियाणा में, नैमिष कुंज है वहां पर, जहां पर भी आपको ये रदगल की तरफ है, रदगल की तरफ, तो रदगल में कन्या तीर्थ भी है और नैमिष कुंज है, और नैमिष कुंज जो है वो भी नाउच में ही है, नैमिष कुंज वो भी NOUCH वहीं पर है, नाउच में ही है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जगह पे चलते हैं कि जहां पे आपको मिलेंगे कुरुक्षेत्र सरस्वती सरस्वती तीर्थानि त्रिभेश्च पृथुदुकम, पृथुदुकम पेहोवा हरियाणा, पेहोवा जहां पे पृथु महाराज का भी कहानी है, पेहोवा, पेहोवा में बहुत सारे तीर्थ है, पेहोवा में इतने सारे तीर्थ है, पृथु महाराज की कहानी यहाँ पर है, नरसिंह देव की कहानी यहाँ पर है कि नरसिंह देव यहाँ पर आए और नरसिंह देव ने किस तरह यहाँ पे शांति, जब वो उनका उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आए, वो थोड़ी में यहीं पे रहना चाहते थे, जाना ही नहीं चाहते थे, कि कुरुक्षेत्र को पृथ्वी पे स्वर्ग माना जाता है, पूरे कुरुक्षेत्र एरिया को, चारों यक्षों के बीच की भूमि कुरुक्षेत्र होती है, उसी को बोलते समंत पंचक। तो नरसिंहदेव यहां से जाना नहीं चाहते थे, यहां से वरादेव वापस नहीं जाना चाहते हैं,
इतना महत्वपूर्ण जगह है। और बड़ा मैं आपको आश्चर्य बताऊं, मैं अमेरिका से बैठ के अपनी पुस्तकों में सब ढूंढ लेता हूं और मैं लिख दिया पुराणों से, लेकिन वहां के लोग कभी कुरुक्षेत्र नहीं गए। भारत में दिल्ली के लोग नहीं गए, उनको कुरुक्षेत्र से दिखता है कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र में कुछ और लोग सोचते हैं कि दिल्ली से थोड़ा एंजॉय करेंगे। कुरुक्षेत्र सिर्फ एंजॉय करने की जगह नहीं है, कुरुक्षेत्र में मन चिंतन की आवश्यकता है, पुराणों की आवश्यकता है। वहां पर सारे यूनिवर्सिटीज वैदिक यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, वेद पुराण महाभारत, मतलब ऐसे नहीं पढ़े कि थर्ड पार्टी पढ़ रहे हैं, वो तो आपसे संबंधित है, वेद तो हमारे आपसे संबंधित है, वहां पर वो पढ़ा जाता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं उड़नई, जहां पे अरुणा नदी और सरस्वती का संगम है उड़नई में। ये सब जगह सरस्वती के तट पे है, ये रहा। यहां पे अरुणा नदी, और तो इसमें कि जो अमाई जोहर है, तालाब मिलेंगे आपको बहुत सारे। तो पुराने समय में सरस्वती नदी और अरुणा नदी यहां पे मिलती थी। तो यहां पे 3 दिन रहने से और व्रत रखने से आपको सभी पापों छुटकारा मिलता है, यहां तक कि किसी वैदिक ब्राह्मण को मारने का भी छुटकारा मिलता है, पर ये सब कार्य मत करिएगा, ठीक है। और अग्निष्टोम यज्ञ का भी फायदा मिलता है, और अतिरात्र यज्ञ का भी फायदा मिलता है, और आपकी सातों पुष्ते को पापों से निवारण मिलता है, कर्म मुक्ति मिलती है। तो ये अरुणाई में है, अरुणाई इंग्लिश में उड़नई बोलते हैं, संस्कृत नाम है अरुणाई। यहाँ पे सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, श्री दुर्वासा ऋषि मुनि का भी मंदिर है यहाँ पे अरुणाई में, क्योंकि अरुणा नदी यहाँ बहती है, अरुणा नदी देवी का भी नाम है। और फिर उसके बाद चलिए अर्धकील तीर्थ में जाइए। अर्धकील तीर्थ में उड़नई में ही है अर्धकील तीर्थ, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब हम इसके आगे हम चलते हैं, बाकी जगह आपको मैं दिखाता हूं। ये सब जगह, यहां इन सब जगहों पे आपको सरस्वती नदी मिल रही है हर जगह पे, ये सब जगह जितने भी मैंने बताई आपको। फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग अरुणाचा, यहाँ पे आपको अरुणाचा अरुणा नदी का ही तीर्थ है, यहाँ पे रेणुका का भी धाम है, एक रेणुका जी का धाम है उत्तर में विश्व, जो जब आप वो जब कहानी देखते हैं रेणुका माता की, एक है उत्तराखंड में और एक यहाँ पर है रेणुका धाम। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग द्रव्यवती, ये तो द्रव्यवती नदी तो बिल्कुल ही बीच में बह रही है आपके, अंबाला का नाम है अंबा माता का मंदिर, ये तो जयपुर से जा रहा है। फिर इसमें आते हैं ये जो दृष्टवती नदी जो है दृष्टवती, ये यहां से भी बहती है, जैसे मैं आपको ट्रिब्यूटरी बोल रहा था कि ये यहाँ पे भी रहती है और दक्षिणी दिशा दक्षिणी में पूर्व दक्षिणी में भी आती है, दोनों जगह आती है दृष्टवती, पैरेलल चलती है पूर्वी दिशा की तरफ। तो विनाशन के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया, संदेशर में भी आपको मिलेंगे मंदिर, सिंह के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, और फिर हमने बात किया रतगल। रतगल तीर्थ में जाने से आपको फायदा मिलता है अग्निष्टोम यज्ञ करने का। और कौन सा तीर्थ है यहाँ पे रतगल में, जरा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा तीर्थ है यहाँ पे, सो जिससे आपको संकीर्ण तीर्थ इसको बोलते हैं, ब्रह्मवर्त तीर्थ, संगान बैराइज, और इसके आगे है एक आता है मंगना में सप्त सरस्वत। रतगल तीर्थ में आपको, ब्रह्मवर्त तीर्थ में आपको फायदा मिलता है अग्निष्टोम यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ करने का फायदा मिलता है, अग्निष्टोम और ब्रह्म यज्ञ दोनों का फायदा मिलता है आपको। तो ये है
अर्धकील, शत सहस्र सत्र, रेणुका तीर्थ, ये सब आप मिलेंगे अरनाइचा में। और उसके बाद आप पंचवटी तीर्थ में चलते हैं, बट यहां पे आपको फायदा मिलता है इंदे। इस तीर्थ का नाम है, इतना सारा डेटा लिखा हुआ था लेकिन, संखिनी, संखिनी तीर्थ। उसका अब तो अब इसमें आपको कौन बताएगा, कैसे बताएंगे कि सरस्वती गायब हो चुकी है? जो आप पढ़ते हैं, लोग बताते हैं बार बार कि सरस्वती तीर्थ गायब हो गया, सरस्वती नदी नहीं है। ये सब प्रूफ है, ये सारे मंदिर आज भी हैं, और इस पे प्रॉपर टूरिज्म भी होना चाहिए गवर्नमेंट का, कि हम लोग देख सकें कि कहाँ कहाँ ये तीर्थ है। तो बुक में आपको सब डिटेल्स भी रहेंगे विद प्रॉपर पेजेस रेफरेंसेस, और सारे मंत्र भी रहेंगे, सो यू कैन गो विद ऑल दीस प्लेसेस। और जो कुरुक्षेत्र से हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे तीर्थ स्थल और सब मंदिर आज भी हैं। छोटे छोटे गांव हैं जो मंदिरों के आसपास बनाए गए हैं, उन गांवों को बसाने का एक ही प्लान था, ताकि लोग मंदिरों को मेंटेन करें, वहां पे वहां के लोकल मंदिरों को मेंटेन करें। तो सरस्वती नदी एक मिथोलॉजी नहीं है, सरस्वती सत्य है, आज भी बह रही है, और उसका पानी संगम तीर्थ में मिलता है प्रयाग में, और उनका जल आपको मिलेगा पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो रण ऑफ कच्छ में जाके वो मिल जाता है समुद्र में। तो सिंधु नदी भी आज भी बह रही है, मतलब उसमें इतना पानी नहीं होगा लेकिन सिंधु नदी आज भी है, और तो ये सारी नदियां आज भी हैं। और तो बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये मंत्र हम बोलते हैं। तो इसमें आप देखें सारी नदियों के नाम है, और वो सारी नदियां हैं, और सभी नदियों के चारों ओर तीर्थ स्थल आपको मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने इस शो में डिबंक किया कि सरस्वती नदी गायब नहीं हुई है, आज भी बह रही है, और आज भी उन सारे स्थलों पे जल है, कोई भी जगह खाली नहीं है। वहां पे कोई भी कुआं आप खोदे या कुछ भी रहेगा तो जल आपको मिलेगा, और वो पानी भरता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो वहां उस जल से आप देवताओं के मंदिरों में जाके आप वहां पे पूजा अर्चना कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, जॉइनिंग मी, और एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर महादेव।